सोशल मीडिया पर भी लोग इसे पसंद करते हैं, तो आज हमारी चैनल पे हम वही सीखने वाले हैं। बहुत टाइम लगा दिया मैंने ये डिज़ाइन को आप लोगों के सिखाने के लिए, सो आज आप ध्यान से सीखिएगा क्योंकि मुझे भी ये डिज़ाइन बनने पे बहुत पसंद आई थी। तो मैंने यहाँ पे सबसे पहले तो इस तरीके से सेपरेट एरियाज़ को जो है वो यहाँ पर क्रिएट कर दिया है। अब इनसाइड जो है हमें जो भी मेहंदी डिज़ाइन में फीलिंग आती है ना, जो भी ज़्यादातर लीव्स गाइज, हमें वहीं इसे क्रिएट करने हैं। हम्स की बहुत ज़्यादा नीड होने वाली है, तो मैं सजेस्ट करूंगी बोल्ड फ्लावर और हम्स की प्रैक्टिस आप पहले सेपरेटली कर ले। देखिए मैंने इस तरीके से लीव्स को क्रिएट करके हम्स को क्रिएट कर रही हूँ और यहाँ पे अब मैं फ्लावर को बना रही हूँ। इस तरीके की डिज़ाइन में जो है वो बोल्ड फ्लावर्स और बोल्ड एलिमेंट्स ज़्यादा यूज़ होते हैं और ज़्यादातर हम्स यूज़ होते हैं, तो आप लोगों को हम्स में बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ेगी। तो आपको आपके हम्स को यहाँ पे बहुत अच्छा मौका है कि आप यहाँ पे आपके हम्स की जो डिज़ाइन है उसे ठीक भी कर सकते हो, उसे और भी ज़्यादा फिनिशिंग के साथ बना सकते हो। तो ध्यान से देखिएगा, बहुत ज़्यादा सिंपल एलिमेंट्स के साथ जो हमने ये एक एरिया सेपरेट एरिया जो बनाया है ना, जो ब्लॉक्स बनाए हमने बेसिकली, वो ब्लॉक्स को ही हमें फिल करना है। और जो भी आपको डिज़ाइन बनाते आती हो, जो भी मेहंदी की डिज़ाइन आपको आती हो, आप इस ब्लॉक्स में अच्छे से फिल कर सकते हो, तो ये डिज़ाइन बहुत अट्रैक्टिव नज़र आएगी। खफीफ डिज़ाइन जो है उसकी बहुत सारे वेरिएशन है गाइस, तो ये एक फर्स्ट वेरिएशन है जो मैं आपके साथ यहाँ पे पहले तो शेयर कर रही हूँ। नेक्स्ट अगर आपको और भी ज़्यादा वेरिएशन चाहिए इस डिज़ाइन में, तो मैं आपको लोगों के साथ और भी शेयर कर सकती हूँ। तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर से शेयर करिएगा कि मैं आपके साथ और क्या डिज़ाइन शेयर करूँ। मैं जो हमारे डिज़ाइन के एलिमेंट्स हैं वो भी मैं इसमें ऐड करूँगी ताकि आप लोगों को ज़्यादा पसंद आए ये डिज़ाइन, क्योंकि आप लोगों को मेरी डिज़ाइन ज़्यादा पसंद आती है, तो इसलिए मैंने ये वाले एलिमेंट्स भी यहाँ मैं यूज़ कर रही हूँ। पूरी डिज़ाइन कंप्लीट होने पर बहुत ब्यूटीफुल लगती है गाइस, और एक न्यू कॉन्सेप्ट है और सभी को बहुत पसंद आता है। एलिगेंट भी नज़र आती है और हैवी भी नज़र आती है। आजकल तो ब्राइड्स को भी ये डिज़ाइन पसंद होती है, तो ब्राइड्स भी अपनी मेहंदी में इसी तरीके की डिज़ाइन लगाते हैं। तो ये बहुत इजी डिज़ाइन है, आप देख सकते हो कि मैं सिर्फ फिलर एलिमेंट के तरीके से फिल कर रही हूँ छोटे छोटे सपोर्टिव एलिमेंट्स को ये वाले ब्लॉक्स में। सेंटर वाले पार्ट में मैं बोल फ्लावर क्रिएट करूँगी, बोल फ्लावर बहुत ब्यूटीफुल लगेगा इसमें, तो आप अच्छे से बोल फ्लावर को क्रिएट कर लीजिएगा गाइस। वापस से एजेस देना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हम एजेस दे देंगे इसे, और एजेस के बाद हम्स देना भी यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हम्स से जो है वो हमारे जो एलिमेंट्स है वो सेपरेट होते हैं, तो इसलिए यहाँ पर मैं हम्स को क्रिएट करूँगी गाइस। वापस से लीव्स और बोल्ड एलिमेंट को हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। हर एलिमेंट्स को बेसिकली यूज़ करने के बाद आपको बॉर्डर लाइन देनी है, और बॉर्डर लाइन के बाद आपको हम्स भी क्रिएट करने हैं। बॉर्डर लाइन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको हर एलिमेंट के बाद गाइस बॉर्डर लाइन इसमें यूज़ करनी है। कम्प्लीटली न्यू कॉन्सेप्ट है लेकिन बहुत अट्रैक्टिव लग रहा है, आप देख सकते हो। सिर्फ दो ब्लॉक्स ही फिल होने पे आपको इसका जो स्पेशलिटी है, जो आपका स्पेशल टच है, जो बहुत सारे मेरे व्यूवर्स ने मुझे कमेंट की थी सिखाने के लिए, आप लोगों को भी पता चल जाएगा कि ये क्यों इसकी इतनी डिमांड है, क्योंकि सच में बनने पर मुझे भी बहुत ज़्यादा पसंद आई और मैं चाहती हूँ कि मैं और भी ज़्यादा आप लोगों के साथ इस वेरिएशन की डिज़ाइन जो है वो शेयर करूँ। कम्प्लीटली रोजीज और कम्प्लीटली लीव्स के साथ भी ये डिज़ाइन बनती है गाइज, लेकिन मैं यहाँ पे आप लोगों के साथ ये फर्स्ट डिज़ाइन शेयर कर रही हूँ, इसलिए मैं आपके साथ हमारे एलिमेंट्स के साथ और उसके साथ यहाँ पे जो इसके ट्रेडिशनल एलिमेंट्स है उसी के साथ मैं आपके साथ ये डिज़ाइन शेयर कर रही हूँ, ताकि जो फर्स्ट डिज़ाइन है वो सीखने में थोड़ी सी आसानी हो जाए। तो हम जो नेक्स्ट डिज़ाइन है वो जब मैं आपको सिखाऊँगी तो आप लोगों के लिए बहुत ही ईजी हो जाएगा। यू कैन सी के कम्प्लीट होने पे कितनी ब्यूटीफुल लग रही है। आप सोच सकते हो कि जब कलर आएगा इस तरह की डिज़ाइन में, जब आप फिनिशिंग के साथ क्रिएट करोगे, तब तो वो और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल लगेगी। तो यहाँ पे मैं इस तरीके से एक छोटा सा एलिमेंट्स ले चुकी हूँ, और वापस से हम यहाँ पे सेकेंड बोल्ड फ्लावर को क्रिएट करेंगे। लेकिन इस वाली जो डिज़ाइन जो बनाते हैं हम, तो उसमें मस्ट है कि आपको सिर्फ बोल्ड वाले ही रोजेस क्रिएट करने हैं। बोल्ड रोजेस के साथ ही बहुत अच्छी लगेगी डिज़ाइन। हाँ, अगर आप लोग क्रिएट करना चाहते हो रोजेस जो हमारे नॉर्मल रोजेस है, तो उसके बाहर जब आप क्रिएट करते हो डिज़ाइन, तो आपको कम्प्लीटली बोल्ड डिज़ाइन लेनी पड़ेगी। तो लाइट डार्क का कॉम्बिनेशन जो है वो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको इस तरीके के ध्यान से आपको ये डिज़ाइंस को बनाना होता है।
इट्स ओके अगर आपके लिए हार्ड हो जाएगा तो मैं आपके साथ ज़रूर से शेयर करूँगी, मुझे कमेंट में ज़रूर से शेयर करिएगा। ये एक न्यू फ्लावर है, फील होने के बाद ये बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है। टाइम ज़्यादा आपका बर्बाद ना करते हुए यहाँ पे मैंने इसे बोर्ड भी कर दिया था, एजिस को भी कंप्लीट कर दिया था और हम्स भी क्रिएट कर दिए थे। वापस से सेम ही एलिमेंट्स के साथ ही हमने ये डिज़ाइन को कंप्लीट किया है जो हमने ऊपर एलिमेंट्स को क्रिएट किए थे। वापस से एक हाफ फ्लावर यहाँ पे मैं क्रिएट कर रही हूँ गाइस। बहुत फटाफट से लगकर जो है वो रेडी हो जाती है डिज़ाइन, बहुत पसंद आएगी आप लोगों को। जितना गैप मैंने लिया है गाइस हर एक हमारे सेपरेट एरिया के बीच में, हर ब्लॉक्स के बीच में, तो आप चाहो तो आपको और हैवी डिज़ाइन बनानी हो तो आप उससे कम भी ब्लॉक्स की जो है वो स्पेस ले सकते हो। जो गैप ज़्यादा दिख रहा हो, अगर आपको ऐसा लग रहा हो कि बहुत ज़्यादा डिज़ाइन जो है वो खुली खुली है, तो आप उसे और पास से भी यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो। अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग आप खफीफ डिज़ाइन को बना सकते हो। यू कैन सी एवरीवन, बहुत ही ईजी वे में ये बनकर रेडी हो जाती है। बस टेक्निक की ज़रूरत होती है जो मैंने आपके साथ शेयर कर दी है, आप बस आपको याद रखना है डिज़ाइन बनाते वक्त। बोल्ड फ्लावर भी यहाँ पर मैंने गाइस यूज़ किया है। बस इसी तरीके से सारे एलिमेंट्स को कंटिन्यू करते हुए हमारे डिज़ाइन को जो हम कंप्लीट करेंगे। लास्ट वाला ब्लॉक जो है हमारा बचा हुआ है, अब यहाँ पे फिलर एलिमेंट भी आप अपनी मर्जी से बहुत ब्यूटीफुली क्रिएट कर सकते हो। बहुत फिनिशिंग के साथ आपको हम्स और लाइंस को क्रिएट करना है, तब ये डिज़ाइन बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुली नज़र आएगी गाइस। आप देख सकते हो कि मेरे सारे हम्स जो है वो विजिबल है, सारी लाइन्स जो है वो विजिबल है, तभी ये इतनी अट्रैक्टिव नज़र आ रही है। वापस से हम यहाँ पर थोड़े से लीव्स को क्रिएट कर रहे हैं और फ्लावर को बनाएंगे। इसी चीज़ को कंटिन्यू करते हुए गाइज हम इस एरिया को भी हम कंप्लीट कर देंगे। अगर गाइज